हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो बिजनेस है ना, जितने भी खर्चे करता है उसको मैं दो में डिवाइड करता हूँ, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चलो देख स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास दो पेन है, एक है सिंपल ऑर्डिनरी पेन 100 रुपए का और एक है गोल्ड, रियल गोल्ड का पेन जो कि मैंने 1 लाख रुपए का लिया। अब आप मुझे बताओ इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? सर बहुत सिंपल है, सर ये दोनों तो पेन है तो दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए ना? नहीं, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बिकॉज इसका अमाउंट ज्यादा और इसकी लाइफ ज्यादा है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका रेवेन्यू। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, चलो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं इस एग्जांपल पे फिर से आता हूं, फिर आप फट से बता दोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्यों है। देखो सबसे पहले What is a capital expenditure? Expenditure incurred to acquire the asset or to increase the value of the fixed asset is known as the capital expenditure. मतलब अगर मैं कोई asset खरीद रहा हूं जिसकी life 1 साल से ज्यादा है तो वो मेरा capital expenditure है। जैसे कि मैंने business में एक laptop खरीदा 50,000 का, वो capital expenditure है। क्यों? क्योंकि उसकी life 3-4 साल आराम से चलेगी। Building खरीदी, उसकी life 25 साल है, वो भी मेरा capital expenditure है। लैंड लाखों साल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हीकल, मैंने गाड़ी ली चमचमाती, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं ऑटो में गया 100 रुपए पे की ऑटो वाले को, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बिकॉज उसकी लाइफ 1 साल से कम है, खत्म, ऑटो को पे किया खत्म हो गया हिस्सा। तो ध्यान रखना जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जैसे लैपटॉप, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। मैं एक नई बिल्डिंग लेता हूं, नई मशीनरी लेता हूं, उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ती है। आज मैं 100 शर्ट बना रहा हूं तो कल मैं 150 शर्ट बनाऊंगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी है। मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरे को लोग आएंगे वहां पे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, मेरे और क्लाइंट्स आएंगे तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि 1 साल से ज्यादा जिसकी लाइफ होती है। अच्छा, एक और यहां पे लिखा हुआ है, दे नॉर्मली हैव अ रीसेल वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं एसेट खरीदता हूं जैसे लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर, वो आराम से मार्केट में जाके बिक सकता है। आराम से मार्केट में अगर मैं लैपटॉप खरीदूंगा 50,000 का, कल जाऊंगा मार्केट के अंदर तो वो 30,000 में आराम से बिक जाएगा। मैंने व्हीकल खरीदी, गाड़ी खरीदी, मैं मार्केट में जाऊंगा आराम से 10 लाख का लिया ना तो 6 लाख में तो बिक ही जाएगा। मतलब उसका रेडी मार्केट अवेलेबल है। अब एक बात बताओ, मैंने एक छोटा सा पेन लिया 100 रुपए का, 100 रुपए का पेन लिया, अब मैं मार्केट में जाऊंगा इसको बेचने के लिए तो कौन खरीदेगा? रेडी मार्केट इसका अवेलेबल नहीं है। फर बिक सकता है, अरे बिकने को तो कुछ भी बिकता है, खबाड़ी को बेच दोगे, पर अपन को कॉमन सेंस लगानी है। क्या ये इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? नहीं फर, 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। क्या ये बड़ा अमाउंट है? यस। एक और पॉइंट बताता हूं, दे आर नॉर्मली अ बिग अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है। नॉर्मली बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है, मतलब 1,50,000, 20,000, ये बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा जरूर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और उनकी रीसेल वैल्यू होती है, मैंने लैंड खरीदा उसकी रीसेल वैल्यू है, बिल्डिंग लैपटॉप खरीदा उसकी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो सच एक्सपेंडिचर अ लॉन्गर पीरियड मोर देन नॉर्मली अ ईयर। तो मेरे एग्जांपल क्या हो गए? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, देखो इन सबकी जो लाइफ है ना वो 1 साल से ज्यादा है। और ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं लेके जाता हूं। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, तो वो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा, वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो अगर मैंने लैपटॉप लिया 50,000 का, तो वो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा एसेट के रूप में। मैंने एक ऑटो वाले को पे किए 100 रुपए, तो वो मेरा खर्चा है, तो वो मेरे खर्चे में जाएगा, वो मैंने ऑटो एक्सपेंस में जाएगा 500 रुपए। मैंने एक बंदे को सैलरी पे की, उसने मेरे यहाँ पे काम किया, 6 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी है, अरे बड़ा अमाउंट है, बड़े अमाउंट से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इसकी लाइफ 1 साल से कम है ना, उसने एम्प्लॉय ने 1 साल काम किया खत्म, उसको सैलरी दे दी, तो ये मेरा खर्चा है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ना कि मेरा
बैलेंस शीट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे जरूरी नहीं, मैंने आपको यहां पे लिखा है नॉर्मली बड़ा अमाउंट होता है, जरूरी नहीं है बड़ा अमाउंट होता है, बट या वन ऑफ द क्राइटेरिया बड़ा अमाउंट लाइफ एक साल से ज्यादा जरूर होनी चाहिए, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। क्लियर है? और वो हमेशा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब अपन इस पे वापिस आते हैं, क्या है ये नॉर्मल पेन है, नॉर्मल पेन 100 रुपए का, आप बताओ ये तो भैया 100 रुपए का पेन है, कोई भी जब बिक भी नहीं पाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये क्योंकि ये मेरा खत्म, लाइफ खत्म, एक साल से कम लाइफ है। सर गोल्ड का पेन, अरे गोल्ड की पेन की लाइफ क्या होती है, गोल्ड की लाइफ है ये, 1 लाख गोल्ड का पैसा है, जो इंक है उसका पैसा तो 10-20 रुपए होगा, तो मतलब ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज गोल्ड की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, बड़ा अमाउंट है, इसकी रीसेल वैल्यू है, गोल्ड का पेन बेचूंगा झट से बिक जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको समझ में आया, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो गए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, फटाफट लाइक करो, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आपको ऑसम बनाता रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, एंड यस थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।